पावर स्पेस को बजिंग देख रहे हैं, हम लगातार देख रहे हैं कि पावर स्पेस में बजिंग है, और क्योंकि पावर क्राइसिस को लेकर भी, पावर शॉर्टेज को लेकर भी न्यूज़ बनी हुई है, और आप इस वक्त फ्लैशेस हमारी टिकर बैंड पर भी देख रहे हैं कि किस तरह से राज्यों की तरफ से कोल इंपोर्ट करने की, स्टेट्स को ऊर्जा मंत्री की तरफ से राज्यों को कोल इंपोर्ट करने की बात की जा रही है। इसी सारे स्पेस पर, इस सारे मुद्दे पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन अजय ने की है महाराष्ट्र में बिजली संकट को लेकर महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के चेयरमैन और एमडी संजय खंडारे से। आइए सुनते हैं ये सारी कॉन्वर्सेशन एक बार। ये एक बहुत स्पेशल चैट हम कर रहे हैं संजय खंडारे जी से, जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के। काफी ज्यादा रिपोर्ट्स आ रही हैं पूरे महाराष्ट्र से, स्पेशली नासिक के पार्ट से, मराठवाड़ा के रीजन से, कि बहुत जबरदस्त पावर शॉर्टेज स्टार्ट हो गई है। तो हम ये समझना चाहते हैं खंडारे जी से कि बेसिकली पोजीशन क्या है इस समय, और यहाँ से कैसे चीजें हो सकती हैं। ऑफकोर्स मुंबई में अभी पावर शॉर्टेज नहीं है। संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए। ये पावर शॉर्टेज के मामले में आपकी प्रिलिमिनरी व्यू क्या है, किस तरह से सिचुएशन अभी है? हाँ, ये सही है कि ना कि स्टेट में बल्कि पूरे देश में पावर की शॉर्टेज है। महाराष्ट्र के बारे में बात करेंगे तो जो पहले हम जितना डिमांड था उतना सप्लाई कर सकते थे, वो सिचुएशन अभी नहीं है। पर्टिकुलरली पीक टाइम में शॉर्टेज अभी बढ़ रहा है, और जो भी शॉर्टेज है वो अराउंड 800 या 1000 मेगावाट का शॉर्टेज पर्टिकुलरली पीक टाइम में रहता है। और इसको कम करने के लिए हमने बहुत सारे उपाय किए हैं, चालू किए हैं, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा जनरेट कर सके उसके लिए हमने कोयना से ज़्यादा पानी का आवंटन मंजूर किया, और उससे करीब हर दिन 2000 मेगावाट का जनरेशन अभी भी जारी है। और उसके अलावा बाकी राज्यों से जहाँ पे ज्यादा बिजली है वहां से हम खरीद रहे हैं, और जो भी प्राइवेट जनरेटर्स है बाहर से वो उनसे भी स्पेशल पीपीए करके हम पावर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो शॉर्टेज पर्टिकुलरली पीक टाइम में अभी महसूस हो रहा है वो अभी फिलहाल थोड़े दिन के लिए और चलेगा, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि उसको हम कम से कम लोड शेडिंग में कन्वर्ट करें। संजय जी, इसका क्या ट्रिगर्स हैं, किसकी वजह से ये पावर शॉर्टेज हो रहा है? क्या डिमांड बढ़ गई है, क्या कोयला नहीं आ पा रहा है जितनी जरूरत है, या आपको लगता है कि कोई और वजह है, ट्रांसमिशन रिलेटेड इश्यूज भी आ सकते हैं? ये वजह क्या है कि इतनी जबरदस्त शॉर्टेज अभी दिखाई दे रही है? आपने सवाल में ही ये सारे वेरिएबल्स आपने लाए हैं। बेसिकली एक तो पेंट अप डिमांड था कोरोना के वजह से, दो साल बहुत सारी इंडस्ट्रियल कमर्शियल एक्टिविटी बंद हुई थी, वो अभी काफी तेज माध्यम से चल रही है, तो उससे डिमांड बहुत बढ़ गया है। जो पिछले दो साल का एवरेज पीक डिमांड करीब 23,000 मेगावाट रहता था, वो अभी करीब 28,000 मेगावाट चल रहा है। मतलब पीक का भी बहुत बढ़त हो गई है, और फिर एवरेज डिमांड जो थी वो भी काफी बढ़ गई, वो 23,000-24,000 मेगावाट के रेंज में रहती है। तो इसकी इसके अलावा जो सप्लाई साइड है उसमें भी कंस्ट्रेंट्स है। जैसे कोयले का उत्पादन है उसमें भी पिछले साल कुछ रुकावटें आई थी बारिश की वजह से, अनयूजुअली बारिश, फिर अगस्त महीने में पूरे देश में जो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी थी उससे जो कंपनी के पास स्टॉक्स थे कोयले के वो सारे डिप्लेट हो गए। तो अभी वो डिप्लेटेड स्टॉक्स को फिर से बढ़ाने के लिए समय लगता है। कोयले का जनरेशन करने की भी क्षमता लिमिटेड है, और अगर कोयला है तो पावर स्टेशन लेके जाने के लिए जो रेलवे की रेक्स की जरूरत है उसमें भी कंस्टेंट है, उसकी भी कैपेसिटी लिमिटेड है। तो वो अभी फिलहाल रेक की वजह से भी
पावर स्टेशन के पास वो कोयला जितना चाहिए उतना नहीं पहुंच पा रहा। वो तो ये पूरे देश में ऐसी सिचुएशन है, बहुत सारे राज्यों में कोयले का स्टॉक 2 या 3 दिन का है, वैसे महाराष्ट्र में भी 4 या 5 दिन का एवरेज सप्लाई है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि ये ज्यादा से ज्यादा कोयला हम खरीदें। और उसके अलावा केंद्र शासन ने भी बोला है कि आप 5-10% इंपोर्ट कोल कर सकते हैं। वैसे आपको ये बता दूं कि इंपोर्ट कोल की भी प्राइसेस जो 4 महीना थी पहले, उसकी रेट अब 3 गुना हो गई है, 3 गुना बढ़ गई है। तो जो पहले $50 $60 का जो रेट था, वो अभी करीब $200 के आसपास पहुंच गया है। तो इंपोर्टेड कोल के भी प्राइसेस बहुत बढ़ी है, और जो कोल प्लांट्स इंपोर्टेड कोल पे डिपेंड थी, वो ये प्राइसेस बढ़ने की वजह से नहीं चल पा रही है, क्योंकि जो पीपीएस है डिस्कॉम के साथ, वो प्राइसेस तो फिक्स्ड है लॉन्ग टर्म, तो ये शॉर्ट टर्म में जो प्राइस बढ़ी संजय जी बढ़ जाएगी, उसका देना जरा उनको मुश्किल है क्या। तो संजय जी, कंज्यूमर्स को कितने समय तक आपके हिसाब से देश भर में, महाराष्ट्र में भी इन पर्टिकुलरली, ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है, और क्या इसका असर पावर प्रोडक्शन कॉस्ट पर भी पड़ेगा, क्या वो भी पास ऑन होंगी, कुछ कोई इस पे व्यू दे सकते हैं आप? नहीं, कुछ हद तक तो जनरेटर्स उसको बियर करेंगे, लेकिन जो शॉर्ट टर्म पीपी अगर प्राइसेस बढ़ जाएगी तो उसका पास ऑन होगा, लेकिन जो लॉन्ग टर्म पीपी है, और जहां तक इंपोर्टेड कोल का जो ब्लेंडिंग है, वहां पीपीए की जो रेट है उस तक अगर मर्यादा रखते हैं, तब तक तो वो जनरेटर ही उसको झेल पाएंगे, उसका पास थ्रू नहीं होगा। लेकिन ये सिचुएशन तो अभी समर सीजन में ऐसे ही रहने की आशंका है, लेकिन जहां तक हम कोल सप्लाई का जो आवंटन कर रहे हैं फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेस, केंद्र शासन और राज्य शासन ने भी उसमें बहुत ताकत लगा के सारे जो भी माध्यम है उससे ज्यादा से ज्यादा कोयला देने की कोशिश कर रहे हैं, और ये इंपोर्ट कोल का ब्लेंडिंग करके ये सिचुएशन कंट्रोल में रहेगी, ऐसी अपेक्षा है। राइट, ऑल राइट संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और ये पावर इशू पूरा समझाने के लिए, इस समय सिचुएशन क्या है, कितनी वर्सन हो सकती है, और क्या कदम उठा रहे आपकी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन और सरकार कि मामला जो है कंट्रोल में रहे और आउट ऑफ हैंड ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आज समय निकालने के लिए, हमसे बात करने के लिए।